जय जगन्नाथ। आपण मानक समस्त प्रणाम। महाराज को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। समस्त की स्वागत करी सहर तरफ रु जो कार्यक्रम आपण मैंने करास्तव में भाषा कहीहबनी। समस्त की धन्यवाद दूँ। आपण मान को वेलकम करुच्ची। म्युनिसिपैलिटी दायित्व आम अच्छू आउ बाबाजी महाराज सांगे अच्छू जत जहाँ सेवा आम कह आम सब आपण सागर मिसिक करू तो आगो को आउरी कार्यक्रम आमे कथा हेचु। आमे आगो को आउरी जगह एपटे आमे नहींचु आउरी गोटे पार्क करू सेपटे गोटे आउ जगह आमे दबु मिशिकी भाई भाई आमे चलुचु एठी सब बेले जत्ते बेले 24 घंटा जत्ते बेले लागले भी मु अछि आपण मान सागर जहाँ तो असुविधा हबो निश्चय सब प्रकार सेवा आपण पे करबी। जय जगन्नाथ। गुरु रूप प्यारी साध संग जी, मैं थोड़ा जा आप जी नूं दसना चाहांगा। हुणे फिर आप जी चेयरमैन साहब का जोश देख के समझ गए होगे। इन्होंने बाबा जी नूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी विच ज्ञानी इकबाल सिंह जी जथेदार तख्त श्री पटना साहब दे प्रेजेंस दे विच आश्वासन दवाया है कि मैं 24 घंटे जब भी बाबा जी मैनू किसी भी कार्य वास्ते सिख पंथ दे आवाज मारनगे मैं तैयार खड़ा रहांगा। राती 12 बजे ही बाबा जी मैनू बुलाणगे मैं आण नूं तैयार है। गुरुद्वारा आरती साहब वास्ते पार्क वास्ते बौली साहब वास्ते जो भी मेरी सेवा लाई जाएगी मैं करन नूं तैयार हाँ। इन्ना प्यार मिलिया है सानू इन्हां उड़िया वीरां तों कुरबान जाइए असी गुरु साहब की देखो बेअंत कृपा है बेअंत। हुण ज्यादा समा ना लेंदे होए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल पुरी कलेक्टर श्री अरबिंदो अग्रवाल जी से कि वो भी दो शब्द संगत के आगे रखें अपने विचार संगत के साथ साझे करें। श्री अरबिंदो अग्रवाल जी सत श्री अकाल। गुरु जी के चरणों में सत श्री अकाल। गुरु जी के चरणों में अभिनंदन। श्री पूज्य जथेदार जी, पूज्य परमजीत जी, बाबा जी यहाँ उपस्थित प्रत्येक श्रोता बंधु, मंच पे उपस्थित भाइयों, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और यहाँ इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि सिख पंथ के साथ मेरा ये पहला फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। इससे पहले मैं सिर्फ एक बार सिसगंज गुरुद्वारा गया था एक टूरिस्ट की तरह, लेकिन आज पहली बार आप लोगों से इस तरीके से मुलाकात हुई, पंथ के बारे में जानने को मिला और कितने अच्छा काम आप लोग यहाँ पूरी में कर रहे हैं इसके बारे में भी जानने को मिला। मैं बाबा जी को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ ये जो पूरी में इस जहाँ हम बैठे हैं पार्क, इन्होंने निस्वार्थ भाव से इतना अच्छा डेवलप किया है और देखकर कभी कभी लगता है कि इनफैक्ट हम लोग भी मेंटेन कर रहे हैं पार्क, गांधी पार्क, उसको और इसको अगर कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। यह है निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं उसका परिणाम। और मैं बाबा जी को भी धन्यवाद दूंगा और यहाँ उपस्थित समस्त सभी बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि हमने जो नोबल कॉज के लिए एक स्टार्ट किया था, जो यहाँ पे हमारा एक अनाथ आश्रम है उत्कल बालाश्रम, वहाँ के जो प्राय 100 बच्चे हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो आगरा मथुरा वृंदावन वगैरह घूमने जाएंगे, तो उनका हमने एक प्रोग्राम फाइनल किया है। वो आने वाले 5 तारीख को वो लोग दिल्ली आगरा मथुरा घूमने जाएंगे और इस कार्यक्रम में गुरुद्वारा की तरफ से, बाबा जी की तरफ से और यहाँ उपस्थित सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। और इनफैक्ट दिल्ली में जो उनका रहने का उनका सारा इंतजाम गुरुद्वारा की तरफ से हुआ है, इसलिए मैं उनको विशेष विशेष धन्यवाद देता हूँ। और इनफैक्ट बच्चों की जो इच्छा थी उसको पूरा करने में आप लोगों का सहयोग रहा है।
हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है, ये बहुत कम लोगों को पता था। इनफैक्ट मुझे भी अभी रिसेंटली ही पता चला कि जो पंच प्यारे श्री हिम्मत सिंह जी वो भी यहीं पुरी से हैं, और ये इतना इतना गर्व की बात है पुरी के लिए। और हम आज तक इस फैक्ट से हम लोग अनजान थे, और अब आशा करता हूं कि हम उनको वापस जो पूरी के कल्चर में पूरी के इसमें उनको समान उतना ही हम जितना दर्जा वो डिजर्व करते हैं उतना हम उनको देंगे। और एक गर्व की बात मुझे पता लगी कि श्री गुरु नानक जी भी पूरी यहाँ पधारे थे, और उनका कुछ समय की आरती उन्होंने यहाँ बावड़ी मठ में उन्होंने यहाँ लिखी थी। तो निश्चय वो आज एक ऐसी अवस्था में है जिसको देखकर सबको दुख होता है, और उसका उद्धार करने का जो कोशिश हम लोग करेंगे। और डेफिनेटली मैंने बाबा जी को और बाकी सबको भी यहाँ कमिटमेंट किया है कि मैं पर्सनली इंश्योर करूँगा कि 31/12/2016 से पहले उसमें हम उस पुनरुद्धार का काम शुरू करें और आप लोगों को वो सेवा करने का वहाँ मौका मिले। और आने वाले दिनों में कैसे वो जो मठ में आप लोगों का और अधिक जो इन्वॉल्वमेंट हो, और गुरु नानक जी का जो वहाँ हम और ज्यादा एक अनुष्ठान की तरह उसको डेवलप कर सके, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। और अगर हो सका तो उसका जो राइटफुल ओनरशिप भी अगर हम ट्रांसफर कर सकेंगे उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये एक छोटी सी हमारी तरफ से कोशिश होगी, जो जितना आप लोग हमको दे रहे हैं हम आपको कुछ उसके बदले में कुछ चुका सकें, वो ऋण जो चुका सकें। और एक खुशी की बात है, आप लोग सबको जान के काफी खुशी होगी, बाबा जी ने कई सारे प्रपोजल्स हमें रखे थे। शुरुआत में तो मुझे भी थोड़ा सा था कि भाई क्या होगा कैसा होगा, लेकिन अभी एक महीना पहले ही मैं बाबा जी से मिला था, उसके बाद से मैंने देखा कि कितने सेल्फलेसली सब काम कर रहे हैं। मुझे भी खुद से अपने आप से मुझे लगने लगा कि मैं खुद आऊं और आप लोग जितना देना चाहते हो उससे ज्यादा आप लोगों से लूं, क्योंकि अभी तक मुझे ये फील हुआ कि आप लोग देना चाह रहे हैं लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं और जैसे चेयरमैन साहब भी बताए कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए। और अभी जो गुरुद्वारे के जो पीछे जो जमीन भी खाली पड़ी है उसमें भी हम लोग बाबा जी के सहयोग से पार्क डेवलप करेंगे, और बहुत जल्दी उसका काम शुरू होगा। मैंने बाबा जी को एक और रिक्वेस्ट भी किया है, यहाँ हमारे बलिया पंडा में ही पास में जो स्वीट वाटर जोन एरिया है, 40-50 एकड़ का एरिया खाली पड़ा है, जो एनक्रोचमेंट के लिए एनक्रोचमेंट भी हो रहा है, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हम कर नहीं सकते, तो वहाँ भी मैंने एक पार्क डेवलप करने के लिए बाबा जी को रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया है। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा, और आशा करता हूँ कि जो ये हमारा जो रिलेशनशिप बना है ये और आगे बढ़ेगा, और पूरी को हम एक सिख धर्म में भी एक जो एक इसका जो पवित्र स्थल है उसको वापस वैसा ही हम उसको दर्जा दिला पाएंगे पवित्र स्थल का, ताकि यहाँ पे सिख धर्म के सभी भाई बंधु सब पूरे देश से विदेश से सब जगह से आए और पुरी में आकर के श्री जगन्नाथ जी के और गुरु नानक जी के जो पवित्र स्थल है उसका दर्शन भी करें। आप सबका सहयोग और सबका समर्थन के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना वक्त विशेष करता हूँ। धन्यवाद। बाबा शमशेर सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी तो इतों छुट के जाना चाहते थे, जैसे साहब सिंह साहब नूं पता है, एक साल तो इन्हों बेनती करते आ रहे थे तुसी जगह संभो, पर गुरु साहब नूं कुछ होर ही पाउंदा। गुरुद्वारा साहब के पिछे एक जमीन होर पई है बैक दे विच, एक एकड़ दे सब बराबर होएगी अंदाजा। वो चेयरमैन साहब ने भी कलैक्टर साहब ने भी कहते बाबा जी वही जगह लेके आप ऐसा पार्क बना लो। बोलो वाहेगुरु, ये गुरु साहब की कृपा है, ये गुरु साहब की मेहर है।
उन्होंने शायद यहाँ और पता नहीं क्या क्या करवाना है, ये उनकी मौज है। पूरी इसकी सेवा शायद और ज्यादा करानी है। 30 एकड़ का पार्क है, 30 एकड़ जमीन है जो यहाँ पास ही है, उसको कहते हैं कि हम चलो रल मिल के उसको डेवलप करते हैं। वो 30 एकड़ कितना होता है आप जानते हो, काफी बड़ी जगह होती है। उसको डेवलप करना हमको विश्वास है कि हम गुरु की कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से। मैं आपको चेयरमैन साहब एक बात बताना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब को भी बताना चाहता हूँ। रवि जी बैठे हैं, इनका बहुत से हो गए, रवि हमारे साथ बैठे हैं, रवि जी एक मिनट उठिए जल्दी। इनके सहयोग से पुरी में जो कुछ भी हुआ है वो इनका सहयोग है। जब पहले आए थे 12 दिन इनके घर में रहे थे, सुबह शाम कीर्तन हुआ था इनके घर में। ये कहते मुझे अब पता चला कि गुरबाणी तो भगतों की बाणी है, मैं तो समता सहज से खिलड़ा के ही होते। तो इन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। कलेक्टर साहब जी, चेयरमैन साहब जी, इनके घर में बैठे हुए जगन्नाथ जी ने आके हमको स्पेशल रोका के यहां से नहीं जाना है, कुछ करके जाना है। वो तब से ये करवाते ही जा रहे हैं। ऐसे एक रोशनी आई जो सिर के ऊपर आके बोल के चलेगी कि कुछ करके जाना है। तो हमने सोचा भी जगन्नाथ जी कुछ करवाना चाहते हैं। अब आप लोग आ गए हैं, आप भी चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए। हम आपके साथ जो भी कहेंगे हम करवाएंगे आपके साथ। हम सब मिलके एक स्वर्ग द्वारनी सारी पुरी को स्वर्ग बनाएंगे। सारी पुरी ऐसे कहे स्वर्ग पुरी चलो। सो हमारा भी जैसे आपने हमने विश्वास दिलाया है, ऐसे हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सब रल के बोडे से बोडा लगा के, कंधे से कंधा लगा के इस पुरी को सुंदर बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हुण आप जी नू स्टेज सकत्तर साहब साढ़े हरमन प्यारे श्री हरमन जी अगे दे प्रोग्राम दा वेरवा दसणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फिर फतेह ढिली है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास सब तो पहले हुण बेनती करेगा। सिंह साहिब ज्ञानी इकबाल सिंह जी जथेदार तख्त श्री हरिमंदर साहिब पटना, नाल नाल सत्कारयोग संत बाबा शमशेर सिंह जी दिल्ली वाले, नाल ही सत्कारयोग सरदार परमजीत सिंह जी राणा, ओ कलैक्टर साहब, चेयरमैन साहब जी श्री रवि संमत राय जी का सन्मान करेंगे। सब तो पहले कलैक्टर साहब का सन्मान सिंह साहिब जी, बाबा जी अते राणा साहब जी कर रहे हैं। हाँ जी, शमिंदर सिंह जी प्रधान साहब जो कि पटना साहब तो प्रधान साहब पुजे हैं, उन्होंने भी बेनती है नाल आ जाएंगे। श्री अरविंदर अग्रवाल जी जो कि पुरी के कलैक्टर हैं, उन्हों का सम्मान हो रहा है। सत श्री अकाल। हुण श्री सोनेहा चेयरमैन साहब श्री जयंत कुमार सारंगी जी का सम्मान हो रहा है। बोले सोनेहा। सरदार परमजीत सिंह जी राणा,
चेयरमैन धर्म प्रचार कमेटी कुछ विचार आप जी दे नाल रखणगे, आओ श्रवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं इतों अगे लगे गुरु साहब दी निकल गया सी बार गड्डी तक, ते फिर मेरे विचार कलैक्टर साहब नाल सांझे होए, और जिहड़ी साडी अंदर गल्लां होईयां कमरे दे विच अद्धा घंटा गल होई, मैं क्या मैं कलैक्टर साहब स्टेज ते गुरु साहब की हजूरी विच कह के आया कि अगले साल जे इत्थे असी आईए तो संगत दे सिर ते टोकरियां होण ते कार सेवा शुरू हो जाए। हम कोई भी काम करते हैं उसको कार सेवा बोलते हैं गुरु साहब के यहाँ से, और हम कहीं बाहर से लेबर नहीं डालते, खुद टोकरी धोते हैं अपने गुरु के स्थान को बनाने के लिए। तो कलेक्टर साहब कहते हैं, हम चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम 2016 में ही आपको सेवा का मौका दे देंगे। ते तुसी ये देखो कि किन्ना प्रतख होके किन्ना कोल खड़ा होके गुरु साड़ी बेनती सुनदा, ते फिर भी असी गुरु दी ना मनिए कितना गल बने। सो मैं कलेक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ, चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूँ, बाबा जी की तरफ से और जथेदार की तरफ से, दिल्ली कमेटी की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि मानवता का जो मैसेज गुरु नानक ने दिया है, जो आप भी चाहते हो कि यहाँ मानवता की बात हो, उसके हम और बाबा जी दिल्ली कमेटी सब पैरा देगी, हम आपके साथ हैं। और जो बच्चे आप दिल्ली भेज रहे हो उसके लिए आज तो हम करेंगे, आगे भी आप भेजते रहो, हम उसके लिए हाजिर हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।